नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज की एक और खास खबर में। हल्द्वानी में बीते दिनों पहुंचे टेंट हाउस संगठन के प्रदेश अध्यक्ष दयाल अग्रवाल ने टेंट गोदाम अग्निकांड में तीन मृतक कर्मचारियों के प्रति शोक संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि प्रशासन की ओर से की जा रही मजिस्ट्रेट जांच को निष्पक्ष रूप से संपादित की जाए। वहीं उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन और पुलिस सिर्फ खानापूर्ति करती है, ऐसे में प्रशासन और पुलिस समेत अग्निशमन के अधिकारियों को भी समय समय पर टेंट व्यवसाय से जुड़े व्यापारियों को सुरक्षा नियमों और अन्य गतिविधियों से जागरूक करवाना भी इनकी जिम्मेदारी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अग्निकांड के बाद अब प्रशासन की ओर से टेंट व्यापारी का मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि अग्निकांड के बाद ही प्रशासन की आंख खुली है, इससे पहले प्रशासन गहरी नींद में सोया हुआ था। प्रशासन का जो काम है, प्रशासन अपने हिसाब से ठीक ही करते हैं, बाकी हमारे व्यापारी के साथ में जब ये गलत या इंस्पेक्टर राज की बातें होती हैं वो ठीक नहीं होती है। एक आदमी की अपनी कोई गलती नहीं है, फिर उस पर जबरदस्ती दोषारोपण करना ये कहाँ उचित है। उसको तो बचाव मिलना चाहिए प्रशासन का, उसको सहयोग मिलना चाहिए। छोटे छोटे व्यापारी हैं, हमारा उत्तराखंड राज्य छोटा है, उसमें हम अपने को ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं, मगर इस तरह की जो घटनाओं से हम अपने को असुरक्षित महसूस करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। 9 साल पहले भी इसी टेंट हाउस नहीं, कभी नहीं है। देखिए, इस दफ़े जो आग लगी है इसमें पार्टी की हमारे व्यापारी का कहीं भी माइनस नहीं है। ना उसके बिजली के तारों से लगी है, ना सिलेंडर से लगी है, ना कोई लेबर खाना बना रही थी। ये तो जो बगल में कोई वो है गैराज है, उससे प्लास्टिक उड़ के आई है और उससे इसमें आग लगी है। हमारे व्यापारी का कहीं फॉल्ट नहीं है। नहीं, उसके अलावा अगर आग नहीं भी लगती तो अग्निशमन से संबंधित यंत्र होने चाहिए या नहीं होने चाहिए आपके उस इतने बड़े गोदाम में? नहीं, होने चाहिए, ये आप सही कह रहे हैं। और हम लोग, गलती है या नहीं है? नहीं, गलती नहीं है, यंत्र है, मगर उस वक्त मौके पर मौजूद नहीं थे, इस गलती है बस। नहीं, ये तो मगर यंत्र थे, वन साइड बात है। आप ये बताइए, ये होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, हाँ या ना में है? नहीं, यंत्र होने चाहिए और यंत्र थे, मैं दोनों बात कहूँगा। वहाँ पे नहीं मिले कुछ भी जब हम पहुँचे वहाँ मौके पे। अब देखिए, इतने कुछ चीज नहीं थी ऐसी। जो भगदड़ होती है अग्निकांड के बाद में, कौन सी चीज कहाँ गई, आदमी को अपना होश नहीं रहता है। अग्निकांड में भगदड़ होती है, ये एक स्वाभाविक बात है, प्रतिक्रिया है ये। इसमें कोई आप अलग से काम नहीं कर रहे, कहीं भी आग लगेगी उसमें जो है भाग दौड़ ये सब कुछ होता है, लेकिन उसके बाद भी आग बुझाई जाती है। लेकिन अपने कुमाऊँ टेंट हाउस पे वो मौके पे कैसे नज़रअंदाज हुए हैं ये इस वक्त कहना मुश्किल है, ये तो सरकार की जांच में ही सामने आ सकती है। आपका नाम? मैं दाऊदयाल, वाइस प्रेसिडेंट ऑल इंडिया टेंट फेडरेशन, प्रेसिडेंट उत्तराखंड टेंट परिषद। पहली बात, मैं पूरी विस्तार से बात करूँगा। जैसे कि लगातार मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन के द्वारा ये मैसेज भेजा जा रहा है कि उस टेंट हाउस में अग्निशमन का कोई यंत्र नहीं था, वास्तविकता ये है कि वो गोदाम था, अग्निशमन यंत्र आगे जो कार्यालय है वहाँ रखे हुए थे। ऐसा नहीं है, क्योंकि गोदाम के अंदर रखेंगे तो उसका कोई उपयोग है, क्योंकि आग तो गोदाम के अंदर लगी है ना, वो बाहर रखे थे। लेकिन जो कर्मचारी थे वो उसके बारे में जानकारी नहीं रखते, क्योंकि कभी भी ये जो अग्निशमन अधिकारी हैं इन्होंने कोई ऐसा अभियान नहीं चलाया, कोई इन्होंने ऐसी कार्रवाई मतलब वो नहीं करी कि लोग को जागरूक किया जाए कहीं से कहीं तक। केवल जब अग्नि कांड होता है तो वो आरोपी बनाने के लिए, अपना पल्ला झाड़ने के लिए हमारे टेंट व्यापारी को या आम किसी के यहाँ भी आग लगे उनको परेशान करने के लिए सब कार्य करते हैं, जिसका हम दुर्विरोध करते हैं। हम हर शासन प्रशासन के हर काम में सहयोग करते हैं, लेकिन अनावश्यक रूप से हमारे किसी व्यापारी को दबाया जाएगा उसके लिए हर स्तर पर हम लोग लड़ने को तैयार हैं। जब सरकार को, शासन को, प्रशासन को हमारी ज़रूरत होती है तो प्यार मोहब्बत से बात करते हैं, और जब हमारे पे विपदा आती है, जब वास्तविक में हमको उनकी जरूरत होती है, तो उस समय हम पे दबाव की राजनीति डाली जाती है। जैसे वर्तमान में हमारे कुमाऊं टेंट हाउस वालों के साथ हो रहा है, लगातार उनको क्या कहते हैं बुलाया जा रहा है। भाई वो तो पीड़ित व्यक्ति है। मानते हैं कि प्रशासन लगातार जो वादे करते हैं वो कहीं धरातल में धराशायी नजर आते हैं, क्योंकि लगातार खाली हवाई बात। बिल्कुल, ये कोई दुर्घटना घटती है उसी टाइम पर प्रशासन को याद आता है, ये हकीकत बात है। अब देखिए, आज प्रशासन कहता है, अग्निशमन विभाग कहता है कि भाई किसी के पास एनओसी नहीं है। भाई इससे पहले आपने क्यों नहीं जांची?
भाई टेंट हाउस आज से थोड़ी चल रहे हैं, पहले से चल रहे हैं, और उस समय आपने, बल्कि वास्तविकता यह है कि जो हमारा हल्द्वानी शहर में 80 टेंट व्यापारी हमारे संस्था से पंजीकृत हैं, इसमें 10 टेंट हाउस ही ऐसे हैं जो बड़े टेंट हाउस हैं, जो बड़े स्तर पे काम करते हैं, जिनके बड़े गोडाउन हैं, और उनके पास ये सब सारी अग्निशमन की सारी व्यवस्थाएँ हैं, सिलेंडर हैं उन्होंने रखे हुए हैं। लेकिन जो छोटे छोटे व्यापारी हैं 15-30 का टेंट लेकर के अपना स्वरोजगार के माध्यम से छोटे छोटे गलियों में काम कर रहे हैं, वो लोग ये सब कैसे फॉलो करेंगे, उन पर जागरूकता की कमी है। आपका नाम? हर्षवर्धन पांडे, महानगर टेंट व्यापार एसोसिएशन अध्यक्ष। देखिए, प्रशासन तो अपना काम कर ही रहा है, पर जैसा अभी हमारे पांडे जी ने कहा कि आज ये जब घटना घटी है तभी अग्निशमन विभाग को ये याद आई है कि जो है फायर एक्सटिंग्विशर होने चाहिए और आग बुझाने की पानी की टंकियाँ होनी चाहिए, रेत की बाल्टियाँ होनी चाहिए, तमाम चीज़ें जो कही जा रही हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं अग्निशमन विभाग की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो समय समय पे हम लोगों को व्यापारियों को अवगत कराएं और इसका कोई डेमोंस्ट्रेशन दें, कोई इसका कैंप शिविर लगाएं जिसमें हमारे कर्मचारियों को फायर एक्सटिंग्विशर कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं उसके बारे में कोई जानकारी दी जाए, इसको ऑपरेट करना सिखाया जाए। लेकिन ऐसा आज तक अभी तक कहीं नहीं हुआ है, और जब कोई घटना घटती उसी के बाद ये प्रश्न उठते हैं कि ये ऐसा नहीं था, वो ऐसा नहीं था। तो क्या इसके लिए विभाग जिम्मेदार नहीं है? क्या विभाग की कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है? मैं तो यही कहना चाहूँगा। मेरा नाम गिरीश हेड़िया है, कुमाऊ टेंट हाउस से। तो ये थी हल्द्वानी से हमारा संवाददाता दीपक अधिकारी की खास खबर। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।